हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 29 दिसंबर और 2 दिन रह गए हैं न्यू ईयर में। और ये देखो कीजिया बाल बनवाते हुए इतना रो रही है क्योंकि ये अब्बू के साथ जाने लगी है सुबह सुबह सम्मिया के घर। और पहले मुंह नहीं धुलवा रही थी, अभी बाल नहीं बनवा रही। चल सुला कर ले मामा से, जब फिलहाल के जल्दी जल्दी कर ले मम्मा जी। जन्नत सी है, जन्नत सी है, ज्योति सी जन्नत है घर में। ये देखो आज मौसम कैसा है। अब्बू सम्मिया लोगों के घर जा रहे हैं और ये सारा गीला हमने फर्श को ही नहीं धोया, ये सारा ओस पड़ी हुई है उसकी वजह से। इस तरह का धुंध वाला मौसम है बाहर, फोगी मौसम। और ये देखो ये मामा ने ना सारे फूल जोड़ दिए हैं तो वो बुक्का सा बन गया है बाहर। भाई देखो सड़कों पे धुंध है। यहाँ से मैंने अभी झाड़ू लगाया, वो पड़ोसियों ने नहीं झाड़ू लगाया, अभी उधर पत्ते गिरे हुए हैं। समाज ऐसे प्यारा बहुत है। मैंने देखो मेहंदी लगाई है, इधर भी लगाई है, इधर भी लगाई है। देखो हमारे लेमन ओस पड़ी हुई है लेमन पे। दोपहर का टाइम है, लंच का टाइम है और मामा ने सोचा आज मकई मकई की रोटी बनाने का, वो जो छलियों का आटा होता है उसकी रोटी बनाने का। तो फिर हम लोगों ने चाचू लोगों को भी बुला लिया क्योंकि साग भी पड़ा हुआ है और दाल भी बनी हुई है, तो दोनों चीज़ों के साथ मकई की रोटी अच्छी लगती है। तो चाचू लोग भी उधर से आ रहे हैं, सम्मिया आ गई हुई है, कीजी भी उधर गई थी वो भी आ गई है वापस। तो अभी हम खाएंगे मकई की रोटी, सारे इकट्ठे हो रहे हैं। तो उसके बाद फिर आग शाग बार जलाएंगे, क्योंकि आग वगैरह जलाएंगे क्योंकि आज बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा ठंड है। कमरे भी ठंडे हुए पड़े हैं। अभी मैं रजाई में लेटी हुई थी, रजाई भी गर्म नहीं हो रही थी, इतनी ज़्यादा सर्दी चल रही है। किसी कह रही मुझे दिखा दो ये देखो गुप्पा सा बना हुआ इतना मोटा कोट पहन के। मैं आई हूँ किचन में, दिखाती हूँ मामा रोटी बना रहे हैं मकई की। हाँ तो ये बन रही है मकई की रोटी। ये कुछ रोटियाँ मामा ने बना के मकई की रख ली हैं और कुछ जो है ये देखो बन रही है। आज जड़ी लगी हुई है तो मैंने कहा कि चलो आज साग और मकई की रोटी खाते हैं। साग वैसे भी गर्म होता है, सर्दी के लिए अच्छा होता है। साथ में सेवियां भी बनी है, सेवियां और नाल दाल भी है, दाल साग सेवियां। आज जड़ी मनाई जा रही है, जड़ी चल रही है पंजाब में, जड़ियां शुरू हो गई हैं, छुट्टियां भी हो गई हैं ज्यादा छुट्टियाँ। हाँ मैंने पता, हाँ 10 तारीख तक छुट्टियाँ बढ़ गई हैं। अब एक सम्मिया की खुशी वेखो, खुशी 10 जनवरी तक। सही है, इतनी सर्दी है, क्या कीजिए। ने छुपाया हुआ है मेरे लिए, दिखाओ मम्मी को क्या लाया है। किसके लिए? आपकी। चलो मैं आंखें बंद करूँ, चलो मुझे दिखाओ। खोलो। ओ वाओ, की है बेचू केक, दिखाओ क्या है। देखो अभी ना तकरीबन 2 बजने वाले हैं दोपहर के और सुबह से ऐसा मौसम चल रहा है, झड़ी वाला मौसम ना। खाना खा रहे हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं हर बात में। आई खुदावंद जो खुराक रखी गई है, आई खुदावंद तू इसको हमारे लिए पाक कर, खा पी कर शेर हो और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते जाए। हर तरह के मुझी असरात से इसको पाक कर दे, खा पी कर शेर हो कर तेरा शुक्र अदा कर। ये देखो साग और ये मकई की रोटी है। मामा जी दाल पा दो। मामा ये सब्जियां बनाई हैं मामा ने, और प्लेट फड़ाया। ये देखो हम आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं पर ये पटाखे चल रहे हैं इसके बहुत गिलियां लकड़ियां है। तो कैसा कच्ची लकड़ा कड़ी आ छोटी वाली, तो छोटी वाली तो कच्ची लकड़ा जागता साड़ दे। तो तू वो काट दे। हां कच्ची लकड़ दो लकड़े उसकी तो आग है, बात चलनी है ना। अच्छा ई आई आयो वो कॉपीराइट ना आ जाए। हाँ कदी मिल के बैठो।
ਕਈ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਤਸਲਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀਆਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂ ਕਾਫੀ नीतू नहीं कर लपवानी है नीतू बाल सुकोनी है कदी मिल के बैठो गल करिए प्यार दी मोटरसाइकिल आग मारी जल नहीं रही मोटरसाइकिल साइकिल है साइकिल अबू की बजा रहे है आग हमारी बाटे में नहीं चल रही बाटे में डाली है आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं पर धुआं ही धुआं आ ही जा रहा है क्योंकि लकड़ियां मेरा खल गीली लगी हुई हैं तो इस वजह से ना हमारी आंखों में भी जा रहा है धुआं इसलिए हमने कुर्सियां नहीं रखी और खड़े होकर चाय पी रहे हैं हमने कहा चलो जितने अभी आग सेक सकते हैं ना खड़े होकर सेक लेते हैं चाय देख लो कितनी गर्म है मैंने तो पी ली है नहीं, मेरी बारी है। हाँ, धुआं पड़ रहा है आंखों में ये देखो लगाई है बाजी मारता है हो गया नहीं बहुत ज्यादा रेड हो अग अच्छी आ रही है लालियां लाने की जरूरत ही नहीं न्यू ईयर नाइट के व्लॉग के साथ क्योंकि न्यू ईयर नाइट का भी व्लॉग आने वाला है और फिर न्यू ईयर का अलग से आने वाला है ठीक है तो रहिएगा मेरे चैनल के साथ और मेरे साथ और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दें सब्सक्राइब और लाइक भी कर दें मेरी वीडियो को खुदा हाफिज़ बाय बाय